नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लाए हैं लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, आप ही की डिमांड में। एक दिन हिंदी आएंगे, एक दिन इंग्लिश आएंगे, बाद में दोनों ही आया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाइब्रेरी साइंस का MCQ। यह आपके विभिन्न परीक्षाओं में, स्कूल कॉलेजों में, कॉम्पिटिशन में, UGC नेट वगैरह में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो? इसका आंसर है SR रंगनाथन। सेकंड क्वेश्चन है, लाइब्रेरी यूज़र एजुकेशन रिलेट्स विथ विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? इसका आंसर है सेकंड लॉ, जो और सेकंड लॉ हमारा है एवरी रीडर हिज हर बुक। थर्ड क्वेश्चन है, विच लॉ रिलेट्स विथ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन? इसका आंसर है सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ हमारा है एवरी रीडर इज हर बुक। फोर्थ क्वेश्चन है, मेलविन डेवी बिलोंग्स टू विच कंट्री? इसका आंसर है USA। फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइब्रेरी मैगजीन लाइब्रेरी जर्नल नाम से स्टार्टेड बाय विच पर्सन? किसने शुरुआत की थी लाइब्रेरी जर्नल की? मेलविन डेवी ने। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर? इसका आंसर है 1877। सेवन्थ क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन UK? इसका आंसर है लंदन। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोमला? इसका फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। नाइन्थ क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ कोमला? इसका आंसर है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये किंगस्टन में है इसका हेड ऑफिस। टेंथ क्वेश्चन है, इन विच ईयर FID स्टार्टेड? इसका आंसर है 1895। ग्यारहवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ILA? द फुल फॉर्म ऑफ ILA इज इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग? इसका आंसर है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 13th क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पास इन इंडिया? इसका आंसर है 1954। इसके अंतर्गत एक एक पुस्तकें, चार जो हमारे नेशनल लाइब्रेरी हैं चारों तरफ भारत के, उनको एक एक कॉपी फ्री में देनी पड़ती है जो पहली बार पब्लिश होती हैं। 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WIPO? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 15वां क्वेश्चन है, इन विच ईयर कॉपीराइट एक्ट केम इन USA? इसका आंसर है 1870। 16th क्वेश्चन है, वेयर इज़ द मेन ऑफिस ऑफ पेटेंट इन इंडिया? इसका आंसर है कोलकाता। 17th क्वेश्चन है, ऑल पेटेंट ऑफ इंडिया पब्लिश इन विच डॉक्यूमेंट? इसका आंसर इंडियन गैजेटियर Part 3। 18th क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ इन्फ्लिपनेट? इसका आंसर है अहमदाबाद, गुजरात में है इन्फ्लिपनेट का ऑफिस। 19th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन गिव सपोर्ट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेलनेट? इसका आंसर है निसात एंड NIC। 20th क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज नैकलिन कॉन्फ्रेंस? इसका आंसर है डेलनेट। नैकलिन कॉन्फ्रेंस होती है प्रत्येक वर्ष डेलनेट के द्वारा करवाई जाती है। इसमें विभिन्न रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हैं। 21st क्वेश्चन है, इन विच ईयर OCLC स्टार्ट्स ऑनलाइन सर्विस? इसका आंसर है 1971। 22nd क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ OCLC? इसका आंसर है डब्लिन, ओहियो, USA। 23rd क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इन विच ईयर? ये स्टार्ट किया था साइंटिफिक मैन लुइस बर्नार्डिस इन 1910। 24th क्वेश्चन है, हु गिव द थ्योरी ऑफ क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? इसका आंसर है FW टेलर। 25th क्वेश्चन है, हु गिव्स द थ्योरी ऑफ पॉट्सकॉव? इसका आंसर है लूथर गुलिक। इसका फुल फॉर्म होता है पी से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन, हु गिव द MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? इसका आंसर है पीटर ड्रूकर।
27th क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु गिव द थ्योरी ऑफ PPPS एंड इन विच ईयर, इसका आंसर है रॉबर्ट मैकनामारा, और ये कब आया, 1961। तो बच्चों आज का था लाइब्रेरी साइंस की इंग्लिश में सेकंड क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।